हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोज भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के पैनल डिस्कशन में प्रेजेंट हुई रवीना तंडन। आज मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में ऑर्गन ट्रैफिकिंग को लेकर एक पैनल डिस्कशन रखा गया। इस पैनल में मधु चोपड़ा और रवीना तंडन संग और भी चार लोग शामिल रहे, जहां सभी ने लीगल ऑर्गन डोनेशन पर बात की और साथ ही में बच्चों को प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन के लिए इंस्पायर किया। इस ऑर्गन डोनेशन पर पैनल डिस्कशन का हिस्सा हार्मनी फाउंडेशन भी बना, जहां मीडिया से बात करते हुए रवीना ने बताया कि इस पैनल डिस्कशन को उन्होंने कितना एंजॉय किया है और साथ ही में इस बात से वो थोड़ी नाखुश भी हुई कि इतने लंबे पैनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी वो काफी सारे बच्चों को प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। इस पूरे डिस्कशन में रवीना काफी चिल नजर आई, जहां उन्होंने काफी सारे जोक्स भी मारे, जिसमें से एक कुणाल कामरा पर था, जहां टॉपिक निकलने के बाद वो कुणाल को सपोर्ट करती नजर आई, ये कहते हुए कि मैं उन पर लगे बान से सहमत नहीं हूँ। And like they also did say that we are a huge country and we have so many people who are waiting in line. And how much more is that what we can do? I was very happy to hear all the statistics that Dr. Mehra put out. But that was basically focused on China. And this is a small joke I was thinking when that was going on. I don't know how many of us really want a made in China body part. So, I don't know how long that will last. Okay, that was a joke, hello, just to lighten the situation. Because there's a bunch of youngsters and kiddos over here. But the thing is very, very deep, actually, especially in our country, because there's so much of stigma revolved around organ donation. And it is pan-cultures. Yeah. So I have been an ambassador, Jaya is here right now, for Mon Foundation for a lot many years. And that is a thing which we used to talk about in wherever we used to have. In Nanamati Hospital, we had a full, panel exactly like this. And the main topic that was there in our country is that a lot of cultures think, the body should not be desecrated after the soul has passed. वही मधु चोपड़ा ने कहा कि वो बहुत खुश है कि वो इस पैनल का हिस्सा बने। बच्चों ने बहुत ही स्पोर्टिंगली इस पैनल डिस्कशन के बाद अपने अपने सवाल हमारे सामने रखे। वही बच्चों को सोशल मीडिया मेम्स पर पूछे जाने वाले कई सवालों के बारे में पूछे जाने पर मधु ने कहा कि ये आज की रियलिटी है कि बच्चे जोक्स को बहुत ही सीरियस लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर चान मिश्रा के बेटे प्रभात मिश्रा और पूजा झा के वेडिंग रिसेप्शन में बॉलीवुड सितारों ने लगाई हाजिरी। इस मौके पर बॉलीवुड के कुछ एक सितारे यहां पर प्रेजेंट हुए थे, जिनमें मधुर भंडारकर, रवीना तंडन और उनके हबी इहाना ढिल्लो, उत्कर्ष शर्मा, जॉनी लीपर, केसरी लाल यादव और आम्रपाली दुबे मौजूद थे। सभी वेडिंग पर बहुत ही एक्साइटेड लगे। साथ ही इनमें से कुछ एक ने मीडिया से भी बातें की और अपने अंदाज में इस ब्यूटीफुल कपल्स को वेडिंग विश किया। I'm really happy to be here. First of all, I would like to congratulate Chanji and his complete family. It's a big day for Chanji and of course Chanji is like a family. मैं Chanji को तब से जानती हूँ जब मैं बहुत छोटी सी थी और वो मेरे घर दिल्ली में आया करते थे। So I wish him all the best and he is always a big support in my family and to me. Whenever I have something in Bombay, Chanji is just called away and I just wish Prabhat and Pooja all the very best on their new beginning, on their new journey. And Chanji, we as family, we love. हॉलीवुड फिल्म देवी नाइट के स्क्रीनिंग में प्रेजेंट हुए हितिन तेजवानी, बप्पी लहरी और इशिता चौहान। सभी फिल्म देविल्स नाइट की स्क्रीनिंग को लेकर बहुत ही एक्साइटेड लगे। उन्होंने मीडिया से बातें की और बताया कि हॉलीवुड सिनेमा और बॉलीवुड सिनेमा सब मिक्स हो रहा है। यहाँ की फिल्में वहाँ के लोगों को पसंद आती है, जो बहुत ही अच्छा है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। साथ ही उन्होंने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और हॉलीवुड सिंगल्स एल्बम को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। Still want to watch it and we are here to give all of our best wishes to Mr. Ganeshan. All the best. You are always welcome to our industry and likewise you should always say this to us also. You should also welcome us to your industry. Well, absolutely. That's why I'm here. Yes. So as Bapita said, the bridge is there and now, Hollywood, Bollywood is like it's going to become one. Yes. Very soon. Yes. Very soon. So,
likewise, like we know all the actors from West and from there. People from the people know us also there now. So it is a good thing, good sign. So it will be easier for them to, you know, do films with us also. And a mixture of both, you know, Western like, and here. Like what Women Wants ke shoot par nazar aaye Kareena Kapoor, Sara Ali Khan, Sonakshi Sinha aur Ankita Dongri. Bollywood gossip mein filhal itna hi. Kal phir milte hain film industry ke khatte mitte khabron ke saath.